मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम क्या संजू के फैंस होंगे खलनायक 2 की कास्ट से खफा? कौन ले सकता है जैकी श्रॉफ की जगह? क्या पुष्पा और केजीएफ को देगी खलनायक 2 टक्कर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आप सभी ने हिंदी सिनेमा में नायक तो बहुत देखे होंगे, पर खलनायक सिर्फ एक ही है और वो है संजू बाबा। संजू बाबा बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लोग हीरो से ज्यादा विलन के रोल में ज्यादा देखना पसंद करते हैं। फिर वो वास्तव के अंदर रघुनाथ हो या केजीएफ का अधीरा या फिर खलनायक के बल्लू, ऐसे में उनके निभाए गए सारे रोल को बीट करना किसी भी एक्टर के बस की बात नहीं और लोग भी अब उनकी जगह किसी और एक्टर को खलनायक के रोल में देख के शायद ही पसंद करें। ऐसे में खलनायक 2 में अगर बल्लू के किरदार को बदल के रणबीर कपूर को दिखाया गया तो शायद संजू के फैन फिल्म से ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दें और फिल्म हमें पर्दे पर कुछ खास कमाल करती भी ना दिखाई दे। फिल्म खलनायक में खलनायक तो संजू बाबा थे, पर उनकी खलनायकी को टक्कर देने के लिए हमें फिल्म में बाबा के सामने हमें जग्गू दादा भी देखने को मिले। अब अगर खलनायक पकड़ने के लिए पुलिस वाला दिखाना है तो वो भी धाकड़ होना चाहिए ना। ऐसे में हमें फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर राम के रोल में दिखाई दिए जग्गू दादा। और बात करें फिल्म के सीक्वल की तो रणबीर के सामने अब इंस्पेक्टर राम की जगह हमें जग्गू दादा के बेटे टाइगर श्रॉफ देखने को मिल सकते हैं, जो कि अब तक हमें स्पाई और एजेंट के रूप में देखने को मिलते हैं, पर पुलिस की वर्दी में वो पहली बार हमें दिखाई दे सकते हैं। खलनायक नाम से सुन के ही सबसे पहले दिमाग में संजू बाबा का चेहरा आता है, क्योंकि लोग उन्हें इसी नाम से और इस फिल्म से बॉलीवुड में जानते हैं और उनकी इस फिल्म को टक्कर दे पाना आज भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में बात करें खलनायक 2 के बाद हमें ये बात और भी हाई देखने को मिल सकता है अगर फिल्म में रणबीर के साथ हमें असली खलनायक संजू बाबा भी कुछ सीन्स में देखने को मिलते हैं। तो फिल्म अब तक की सभी एंटी हीरो फिल्म जैसे पुष्पा, केजीएफ और बॉलीवुड की धूम सबको पीछे छोड़ सकती है। फिल्म ने 90s में अपना जलवा काफ़ी लोगों तक पहुंचाया था और जो हमें आज पुष्पा और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो उनकी शुरुआत हमें खलनायक से ही देखने को मिली थी। ऐसे में फिल्म हमें एक बार और दिखा सकती है कि कौन है असली खलनायक। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में हमें दिखाई दे सकते हैं रील के साथ रियल संजू? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।